नमस्कार, मैं हूँ काजल झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। बॉलीवुड की बेहतरीन सिंगर नेहा कक्कड़ के साथ इंडियन आइडल के सेट पर हुई बदतमीजी। जी हाँ, पूरा सेट रह गया दंग। साथ में खड़े होस्ट आदित्य नारायण भी कुछ ना कर सके। आज हम बात करेंगे टीवी रियलिटी शोज जो हम अपने घरों में बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ देखते हैं। उनमें से काफी चर्चित शो इंडियन आइडल हमने और आपने सभी ने कभी ना कभी देखा होगा। आज नेहा कक्कड़ किसी के सम्मान की मोहताज नहीं है। नेहा कक्कड़ इस वक्त बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर सिंगर मानी जाती हैं। साथ ही वो एक परफॉर्मर भी हैं। वो जगह जगह शोज भी करती हैं। ऐसे में नेहा टीवी रियलिटी शोज भी बहुत करती हैं और उनको जज करती हैं। इंडियन आइडल की भी जज रह चुकी हैं। ऐसे में एक बार एक कंटेस्टेंट ने फैन मोमेंट में नेहा के साथ कुछ ऐसा कर डाला जिसकी कल्पना सिंगर ने नहीं कर रखी थी। बता दें कि जब नेहा शो का 11वां सीजन जज कर रही थी, जिसके साथ दो और दिग्गज कलाकार अनु मलिक और विशाल ददलानी भी साथ में जज कर रहे थे। इस घटना से वे भी सख्ते में आ गए। बात कुछ यूं हुई थी कि जब एक कंटेस्टेंट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तब नेहा कंटेस्टेंट का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेज पर पहुंची, जिसके बाद कंटेस्टेंट ने उत्साहित होकर नेहा को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिसके बाद इंडियन आइडल का पूरा सेट सदमे में रह गया और किसी को पता नहीं चला कि ये हुआ क्या और इस वाक्य पर रिएक्ट कैसे किया जाए। जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तो नेहा ने अपने आप को कंटेस्टेंट से दूर हटाया और दूर जाकर खड़ी हो गई। वो समय पूरे सेट के लिए काफी डिस्टर्बिंग था। नेहा के को जजेस भी काफी हैरान थे इस सदमे से। इन सब के बाद कंटेस्टेंट काफी शर्मिंदा हुआ। दरअसल कंटेस्टेंट का कहना था कि उसको खुद नहीं पता चला कि उसके अच्छा परफॉर्म करने पर उसको इतनी शाबाशी मिलेगी और वो नेहा के स्टेज पर आने से को लेकर काफी उत्साहित हो गया। हालांकि उसके बाद क्लैरिफाई भी किया, उसका इस हरकत के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। बता दे कि आजकल रियलिटी शोज में ये सब काफी आम बात है। आप देखकर पता नहीं लगा सकते कि क्या सच है और क्या प्री प्लान। देखते रहिए कुछ ऐसी खबरों के लिए बॉलीवुड केसरी। धन्यवाद।